पेरिस यूरोप आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है ये शहर। यहाँ पहली बार कदम रखें तो मशहूर इमारतों को देखने का मोह संभालना मुश्किल है। पेरिस शहर से ये मेरी पहली मुलाकात है और आज मेरी लिस्ट पर है द आइफल टावर, मोमार्त्र डिस्ट्रिक्ट और सेन नदी भी। लेकिन मेरी नज़र इस बात पर भी रहेगी कि पेरिस शहर आखिर अपने आप को सस्टेनेबल कैसे बनाए रखता है या इस बड़े शहर में सस्टेनेबिलिटी का मायने क्या है। पेरिस जाएं तो जाहिर है शुरुआत होगी आइफिल टावर से। इंजीनियरिंग के कमाल, दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक। आइफिल टावर को देखने हर साल करीब 70 लाख लोग पहुंचते हैं। सोचिए कि शहर कैसे संभालता होगा इतने लोगों को। इसलिए जरूरी है कि जाने से पहले वक्त पर ऑनलाइन बुकिंग कर लें। मेरी तरह चूके तो फिर लगे लाइन में 3-4 घंटों तक इससे पहले कि आप अंदर जा पाएं। 19वीं सदी के खत्म होते होते 1889 में आइफिल टावर खड़ा किया जा चुका था। ये उस वक्त पेरिस में हुए वर्ल्ड फेयर का मुख्य आकर्षण था जिसे गिरा दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब तक इसका इस्तेमाल एक विशालकाय रेडियो ट्रांसमीटर के तौर पर होने लगा और बाद में ये पर्यटकों के कौतूहल का केंद्र बन गया। आप चाहें तो इसकी ऊपरी मंजिल यानी तीसरे माले पर चढ़कर पेरिस के दिलकश नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से शहर को देखेंगे तो भूलना मुश्किल होगा। दूसरी बेहद कलात्मक इमारत जहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं, लूवर म्यूजियम। 1793 से अपने भीतर समेटे है कला और कलाकारों की दुनिया। पेरिस आने वाले टूरिस्ट की तरह अगर आप यहाँ पर आने के बाद लूवर म्यूजियम देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, आइए, लेकिन मंगलवार को मत आइएगा क्योंकि ये म्यूजियम बंद रहता है। अंदर जाने का वक्त ना हो तो बाहर से ही थोड़ी देर इसके अद्भुत आर्किटेक्चर को निहार कर पेरिस का सफर जारी रख सकते हैं। करीब 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ साल 2022 में पेरिस यूरोप का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा। मोमार्त्र इस शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है जहां एक पहाड़ी पर है बसिलिका ऑफ साक्रेकर। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, यहां पर्यटकों की कोई कमी नहीं। पेरिस की खूबसूरत झलक यहां से भी क्या खूब दिखाई देती है। दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाले शहरों में पेरिस है। जाहिर है टूरिज्म अथॉरिटीज यहाँ पे काफी खुश हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनके सामने एक दुविधा है ओवर टूरिज्म की। ये चर्च जो मेरे पीछे है मोमार्त्र में मौजूद है और यहाँ आसपास की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि गर्मी से भरे दिन में अगर इतने लोग हैं तो आमतौर पर कितने लोग आते होंगे। यानी ओवर टूरिज्म इस शहर की एक समस्या है। मोमार्त्र 19वीं सदी के अंत में बहुत फेमस हुआ क्योंकि कई नामी कलाकार यहाँ रहते और काम करते थे। कुछ फिल्मों में भी आपको इस इलाके की रंगीनियाँ नजर आ जाएंगी। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना चाहें तो क्या किया जाए? अपने पैरों पर भरोसा कीजिए और चलिए पैदल चलने की तैयारी करिए। पेरिस इको वॉक ऐप के जरिए आप जहां चाहें वहां पैदल जा सकते हैं। यहां पर आपको पैदल टूर सुझा गए हैं जो शहर के दूर दराज के शांत इलाकों तक आपको पहुंचा सकते हैं। मुझे एक्चुअली बी हाइव्स मिले हैं जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, एक तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया उनके लिए बनाया जाता है। और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है वो एरिया, हालांकि जनता के लिए बंद है, पब्लिक एक्सेस नहीं है उसको, लेकिन यहाँ से खड़े होके देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त मधुमक्खियाँ क्या कर रही होंगी। पेरिस में ट्रैफिक जबरदस्त होता है, सिटी सेंटर में भी गाड़ियां कम नहीं, लेकिन शहर कोशिश में लगा है कि पैदल चलने वालों और साइकिल के शौकीनों के लिए खास जगह बनाई जाएं। जैसे 2020 से शहर की इस मुख्य सड़क पर कार लाने की मनाही है, इसी तरह सेन नदी के किनारे पर बनी सड़क पर भी कारें बिल्कुल नहीं जाती।
पेरिस को ज़्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कई सालों तक चलती रहेगी, लेकिन छोटे बदलाव हो रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं और हमारे आसपास हैं। जैसे 2013 से पहले ये जो सड़क है ये मोटरवे हुआ करती थी, यानी गाड़ियाँ आया जाया करती थी, लेकिन अब ये सड़क सिर्फ पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए खोली गई है। 2013 से ऐसा हो रहा है और यहाँ पर आप भाग भी सकते हैं। यानी इस बड़े शहर के भीतर छोटे छोटे बदलाव करके उसे सस्टेनेबल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। पेरिस में सेन नदी का बहुत अहम रोल है, यहाँ की ज़िंदगी में इस नदी का बहुत अहम रोल है और इको फ्रेंडली बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं उसके तहत इस नदी में 3 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। 2025 तक वो पूल अवेलेबल होंगे पेरिस निवासियों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, यानी टूरिस्ट और पेरिस निवासी वहाँ जाकर स्विमिंग करने के लिए आज़ाद होंगे। सेन के किनारे इस तरह के पार्कों में आराम फरमाते टूरिस्ट दिन भर दिखाई दे जाते हैं। पेरिस शहर की वो क्या बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे लगता है यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। आप शहर में चल सकते हैं, ये अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट अच्छा है, साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे लिए ये माहौल को बेहतर बनाता है। मेरी नज़र में पेरिस का स्थान काफ़ी ऊंचा है। यहाँ कई पार्क हैं और ट्रैफिक से बचने के बहुत से रास्ते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे और कहाँ ढूंढना है। मेरा मानना है कि पेरिस पहले से ही सेन नदी का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे लोग नदी के किनारे वक्त बिताते हैं, वाइन पीते हैं या दोस्तों के साथ आते हैं। इसके साथ ही अगर नदी तैरने लायक बना दी जाए तो मुझे लगता है कि ये ऐसा उदाहरण होगा जिसे दूसरे शहर भी भविष्य में अपनाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पर्यटकों के लिए यहाँ घूमना बहुत बढ़िया है। ऐतिहासिक इमारतें और बहुत कुछ अलग तरह से, जैसे बिना कारों के, तो ये बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से शहर को एक बेहतर छवि देता है। सेन नदी का किनारा और उस पर बनी ऐतिहासिक इमारतें, जिसमें नदी पर बने पुल भी शामिल हैं, ये 1991 से ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। पेरिस को अगर आपको एक खास नज़र से देखना है तो आपको आना होगा सेन नदी पर बने हुए पुलों पर। यहाँ आपको रोमांस दिखाई देगा, शहर का एक अलग नज़ारा दिखाई देगा और एक ऐसा एहसास जो शायद इस शहर के बाकी हिस्सों में नहीं मिल सकता। ये पुल जहाँ मैं खड़ी हूँ, इसका नाम है पोन्ना। इस नदी पर सबसे पुराना ब्रिज 1607 में बना था। पेरिस शहर की एक और पहचान है यहाँ के बिस्ट्रो, यानी छोटे रेस्तरां, जहाँ पब की तरह खाने और पीने की सुविधा होती है। मोमात्र डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है स्टेफनी माती का ला टिम्बाले बिस्ट्रो। हम फिलहाल जिस वक्त में जी रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन का दौर है। हमारे आसपास पर्यावरण बदल रहा है। बिस्ट्रो इस बदलाव से कैसे निपट रहे हैं? बिस्ट्रो और आमतौर पर हम सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हम ऊर्जा पर ध्यान देते हैं जो कि हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी। साथ ही हम ऐसी संस्था का हिस्सा हैं जिसके पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जो हर प्लेट का कार्बन फुटप्रिंट बता सकता है। इसके अलावा हम मौसमी उपज का इस्तेमाल करते हैं और खाना बर्बाद करने से बचाने के उपाय करते हैं। हम अपनी हर प्लेट और कचरे में देखते हैं कि मेन्यू तैयार करते वक्त हम क्या कर सकते हैं कि हमारी हर प्लेट और किचन में खाना बर्बाद ना हो।
पेरिस में एक दिन बिताने के बाद मुझे लगा कि शहर काफी सुरक्षित है और चलना मुमकिन है। सस्टेनेबल बनने की कोशिशें हो रही हैं। इतने पर्यटकों का स्वागत करने वाले शहर के लिए ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप यहाँ अपनी पसंद का कुछ ढूंढ ही लेंगे। पेरिस में एक सुनहरा दिन खत्म हो चुका है, शाम अभी जवां होनी शुरू हुई है और इस वक्त मुझे शम्मी कपूर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की बहुत याद आ रही है। वाकई यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप पेरिस आ रहे हैं तो आपके पास मौका है ये चुनने का कि आप मास एक्टिविटी करेंगे। बहुत सारे पर्यटक जो कर रहे हैं वो करेंगे या कुछ ख़ास जगहों पर जाएंगे, क्योंकि ये शहर आपको बहुत कुछ देता है। फिलहाल मुझे ये ड्रिंक दिया है जिसे मैं बहुत खुशी के साथ पीने वाली हूँ।